वन्यजीव सप्ताह पर बलाशा वन परिक्षेत्र अंतर्गत भव्य रैली का आयोजन किया गया। 7 अक्टूबर 2021 को वन परिक्षेत्र अधिकारी इनके कार्यालय बल्लारशाह में वन्यजीव सप्ताह निमित्त जन जागृति कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल, पूर्व अध्यक्ष वन विकास महामंडल महाराष्ट्र राज्य संजय राइंचवार, तहसीलदार बल्लारपुर उपस्थित थे। साथ ही पर्यावरण वाहिनी बल्लारपुर, मुस्यो फॉरेस्ट सेव चंद्रपुर के सदस्य, परिक्षेत्र के संयुक्त वन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष व वन कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक संतोष थीपे वन परिक्षेत्र अधिकारी बल्लारशाह ने किया। इस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना अंतर्गत प्रथम चरण में तहसील के कड़मना मानोरा व इटोली इस गांव के जंगल समेत किसानों के वन्य जीव से और खेती फसल का नुकसान टालने के लिए सोलार कुंपन किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष थीपे इनके मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम की सफलता के लिए नरेश भोरे, प्रवीण पिपटे, भगीरथ पुरी, रुंदन कातकर व वन कर्मचारियों ने सहभाग लिया, जिसके बाद वन परिक्षेत्र बल्लारशाह से नगर परिषद बल्लारशाह से वाहतुक विपणन विभाग तक जन जागृति रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से वन व वन्य जीव इनका संरक्षण व संवर्धन करने का संदेश दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष थीपे ने दी। वन्य जीव सप्ताह 1 ते 7 ऑक्टोबर च्या दरम्यान आपण विविध प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करत असतो। आज वन्यजीव सप्ताहाचा शेवटचा दिवस 7 ऑक्टोबर, त्याची सांगता करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज आपण मानोरा, इटोली, कडमना, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेअंतर्गत 4 गावांची निवड झाली होती आणि त्या प्रत्येक गावाला आपण विविध योजना, जसे की आपण त्यांना सोलर फेन्सिंग वाटप करणे, त्यांच्या गावालगत असलेल्या विहिरींना कठडे लावणे, शेतपिकाचं नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना काही प्रमाणात टॉर्च आणि सोलर फेन्सिंग वाटप, या प्रकारचा आपण आजचा कार्यक्रम इथे घेतलेला आहे। तर आपण कडमना, मानोरा, इटोली यातील एकूण 400 लाभार्थ्यांची निवड केलेली आहे आणि आपण पहिल्या टप्प्यामध्ये आज एक प्रतिकात्मक स्वरूपात 25 लाभार्थ्यांना आपण आज सोलर फेन्सिंगचं वाटप केलेलं आहे।